हे गाइस, गुड इवनिंग। सो शाम के बज रहे हैं 4:30। तो आज मैं आपके साथ जो है इवनिंग टू नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले वाले व्लॉग में जो है मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अभी इवनिंग से लेके नाइट रूटीन आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा बेबी जो है बाजू में नेबर जो है उनके पास में है, खेल रहा है, तो तब तक के लिए मैं कुछ बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी, साथ ही साथ घर भी मुझे थोड़ा क्लीन करना है, वो सब कर लूँगी जब तक वो आंटी के पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग के साथ में। तो पहले तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर ले लूँ, थोड़े से बर्तन हैं। सो मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी जो है मैं घर झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी बेबी जो है वो नेबर के पास है, तो तब तक ही मुझे टाइम मिलता है फटाफट मैं कर लेती हूँ। मैंने कोई हाउस हेल्प नहीं रख के लिया है अलग से, अपना काम जो है मैं खुद ही करके लेती हूँ। तो जब तक उनके पास है तब तक मेरे से जितना होता है उतना काम सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। अभी घर झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद में आंगन भी मुझे झाड़ू मारना है, वो भी कर लूंगी, फिर हम रात के डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, आ चुका है मेरा बेबी यहाँ पे, उसे मैंने अभी वॉकर में बिठा दिया है, वो अपना खेल रहा है और तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू मार लूँगी। उसके बाद हम इसे फीड करा के इसे स्नान करा देंगे। मुंबई में गर्मी इतनी है कि दोनों टाइम हमें यहाँ पे स्नान करना पड़ता है। मेरे घर के बाहर जो है व्यू आपको मस्त मिलेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। इस बाजू जाएंगे तो और भी पहाड़ है पूरा। यहाँ पे देखिए मेरा बेबी, इवनिंग में थोड़ा ठंडा लगता है इसलिए ये अपने आप ही अभी खेलता है, वरना दोपहर भर तो इतना चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है गर्मी से। घर तो क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड कर दे रही हूँ मैं इसके और अपने जगह पे रख दूंगी। इसके बाद हम दूध गर्म करेंगे और फिर बेबी को मैं जो है सेलेक्ट कर दूँ। कपड़े हमारे हो चुके फोल्ड, अब चलते हैं हम किचन में जाके दूध गर्म करें। दूध गर्म हो चुका है अभी, तो पहले मैं इसके लिए निकाल लेती हूँ दूध थोड़ा सा। अब इसमें जो है मैं चाय रखती हूँ। चाय जो है मुझे मसाला चाय बहुत पसंद है, तो मैं बाहर सुपरमार्केट से जो है वो एवरेस्ट का टी मसाला जो है वो ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए।
जिससे चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। तो चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ मैं, तो चाय पत्ती जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने चाय रख दिया है, अभी चाय होता रहेगा स्लोली स्लोली रखना। तब तक ये दूध ठंडा करके मैं इसमें सेरेलेक मिक्स कर देती हूँ। दो टाइम जो है मैं सेरेलेक देती हूँ बेबी को, एक तो मॉर्निंग के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे। इवनिंग में जो है मैं जल्दी दे देती हूँ क्योंकि ये अभी खा के हो जाता है, उसके बाद इसे स्नान करा देती हूँ तो ये सो जाता है, तो जल्दी से इसे खिला के फ्रेश कर देती हूँ, उसके बाद मैं फिर डिनर का स्टार्ट करती हूँ। तो ये थोड़ा सेरेलेक ठंडा हो जाए उसके बाद जो है हम इसे फीड कर देंगे। देखिए कितने आराम से लेट के अपना कार्टून देख रही है। आप लोग में से कई लोग ये सोचते रहेंगे कि बार बार बेबी को जो है वो टीवी के सामने रख रही है करके, बट मैं सिर्फ इसे फीडिंग करने के टाइम पे टीवी दिखाती हूँ, वरना ये इतना हिलता डुलता है और हाथ मारता है कि पूरा सेरेलेक नीचे गिरा देता है। तो सिर्फ इसे फीड करते इस टाइम पर मैं टीवी देखती हूँ, जिससे कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्टेड रहता है, तो वो फटाफट से सेरेलेक फिनिश कर देता है अपना। ऐसे उसका हाथ भी नहीं पकड़ना पड़ता है, अपने से ही वो तुरंत खा लेता है। मैंने बेबी को तो फीड करा दिया है और साथ ही साथ मेरा चाय भी रेडी हो चुका है, तो चाय पीकर इसे मैं फ्रेश कर दूँगी। तो चाय ले लिया है मैंने और साथ में एक डार्क फैंटेसी बिस्किट ले लिया है। तो चाय फिनिश कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं हम। बेबी अभी फ्रेश होके जो है वो सो चुका है, अभी एटलीस्ट वो एक घंटा तो सोएगा, तो तब तक मैं रात के डिनर का प्रिपरेशन कर लेती हूँ एंड मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। तो चलिए हम किचन में चलते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। आ चुकी हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैं अभी भाजी बना ले रही पहले, तो कुकर में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ। और साथ में यहाँ पे ऑनियन एंड टमाटो की प्यूरी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स कुचल की भाजी, जो स्प्राउट्स होता है उसकी भाजी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो पहले हम मसाले को अच्छे से हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, कुकर में डाल के कुकर में अगर हम रख देंगे तो विद इन 10 मिनट्स ये रेसिपी हो जाता है। और
साथ में दूसरे साइड में यहाँ पर मैं राइस रख दे रही हूँ। राइस जो है वो मैं अकेली खाती हूँ, तो अपने लिए सिर्फ मैं थोड़ा सा राइस रख रही हूँ यहाँ पर। तो अब जो मसाला हमारा फ्राई हो रहा है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। उसके साथ में हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा, और फिर नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लूंगा। डाल दिया है इसमें स्प्राउट्स हमारे, और इसे कुक होने के लिए जो है थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली एक ग्लास, या तो आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब गैस फास्ट करके हम 2 से 3 विजल्स होने तक इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। डिनर तो मेरा बना नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मेरा बेबी जरूर उठ गया यहाँ पे। उसको फिर से सुला रही हूँ बट सो तो नहीं रहा ये, तो अब इसको लेकर हम डिनर कंप्लीट कर लेंगे हमारा। सो राइस और मेरा भाजी हो गया रेडी। अभी यहाँ पे मैं रोटी सेक ले रही हूँ फटाफट, उसके बाद जो है मैं फ्रेश हो जाऊंगी। मेरा बेबी जो है वो उठ चुका है, सोया नहीं है तब से, इसलिए मुझे शूट करने का भी टाइम नहीं मिला। उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी बट वो है कि सो ही नहीं रहा, तो तब से उसी को संभालते में बैठी थी, बट अभी टाइम भी हो रहा है तो मैं पहले रोटी सेक लेती हूँ। तीन ही रोटी मुझे बनाना है बट फिर भी रोटी बना के जो है मैं उसे एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके रख दूंगी। देखिए मेरा रोटी हो चुका है रेडी गर्मा गर्म। सेम ऐसे ही मैं बाकी के रोटी भी सेक लेती हूँ फटाफट से।
शाम हो चुका है फ्रेंड्स, अभी तो बज रहे हैं 8:30। मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ एंड मेरा बेबी जो है अपने ताता के साथ घूमने गया है। आप लोग सोचते होंगे ताता यानी कि उसके ग्रैंडफादर यानी कि नाना जो आप लोग बोलते हैं, तो उसके ताता के साथ घूमने गया है। तो अभी वो आ जाएगा, उसके बाद उसे मैं फीड करा के सुला दूँगी। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। मेरा बेबी जो है वो सो चुका है अभी, तो चलते हैं अब हम डिनर कर लेते हैं। ये रहा आज का मेरा डिनर, उसल की भाजी, चपाती और थोड़ा सा राइस। तो डिनर कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। डिनर हो चुका है गाइस मेरा भी। स्वीट में मेरे पास आज है ब्रिटानिया का फज, इसे मैं खा लूँगी। और मेरा बेबी भी जो है वो सो चुका है एंड किचन भी मैंने जो है क्लीन कर लिया है फुल, देख सकते हैं आप। किचन मैंने जहाँ तक होता है मैं रात में ही ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में उठो तो किचन जो है वो क्लीन रहे, तो कुछ भी काम करने के लिए जो है वो ईजी होता है। तो टाइम हो रहा है अभी 10:00, तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि रात में जो है मुझे भी नींद नहीं रहती है। मेरा बेबी जो है वो काफ़ी बार उठता है, तो वो उठता है तो मुझे भी उठना पड़ता है, ऐसे में नींद कंप्लीट नहीं होता है। तो ट्राई करती हूँ मैं जहाँ तक होता है मैं भी जल्दी सो जाती हूँ उसी के साथ में। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ गाइस, बाय।